श्रुति ने अनुपमा को दिए 3 काम, जिससे अनुज और अनुपमा दोनों हुए शिकार। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा की बर्थडे पार्टी में श्रुति का धमाल रहा। श्रुति ने पूरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल कर दी, वो भी अनुज को बिना बताए। बात तो गहरी है दोस्तों और बहुत कुछ आगे के बारे में बताती है। पहले वही निवेदन करती हूँ आपसे इस बात को शुरू करने से पहले कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब श्रुति अनुज को बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए अंदर लेके चलेगी स्पाइस एंड चटनी के। अनुज के एक्सप्रेशंस ये दिखा रहे थे कि जैसे वो स्पाइस एंड चटनी नहीं, जैसे वो कहीं ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे वो किडनैप होके आया है। कि अनुज की आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी और अनुज आया, आंखों खुली तो देखा मैं तो स्पाइस एंड चटनी में हूँ, मैं तो अपनी अनुपमा के सामने हूँ। खैर ये तो एक अलग बात है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली मैं बात करना चाहूँगी श्रुति की। घर से लेके यानी कि ऑफिस से लेके स्पाइस एंड चटनी तक श्रुति पूरी क्लियर थी कि उसको करना क्या है जाके, मगर अनुज को उसने कुछ नहीं बताया, जो साफ साफ ये बात इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सिर्फ अनुपमा के लिए श्रुति के मन में खुंदस नहीं है बल्कि अनुज के लिए भी है। अगर वो अनुज को बता देती तो शायद अनुज वहाँ पे जाता ही नहीं, मगर श्रुति को पता है कि इस बात से अनुज भी जो है खफा होगा। तो श्रुति ये चाहती है कि अनुज के मन से अनुपमा को अब मैं इस तरह से इरेज करूँगी कि अनुपमा के ऊपर इतने तशद्दद करूँगी, इतने जुल्म करूँगी कि अनुज खुद ब खुद कहेगा कि ठीक है हम लोग अब अनुपमा से नहीं मिलेंगे और फिर मैं अपने अनुज को जीत लूँगी। क्या ये था मकसद? मगर मकसद तो आगे और भी सारे समझ में आएंगे, मगर फिलहाल के लिए जो समझ में आता है वो यही है कि श्रुति ने डंके की चोट पे अब ऐलान कर दिया है कि तुम मुझसे मेरे एके को छीन नहीं सकती हो अनुपमा। एके मेरा है और देखो मैं जो बोल रही हूँ उसी में हाँ हाँ कर रहा है, यानी कि अगर ना नहीं की तो हाँ ही की ना। श्रुति 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 चलो श्रुति चलो, तो इसके अलावा तो एके ने कुछ नहीं कहा, तो मेरे कहने पे चल रहा है ये अनुज। तो तुम देख लो तुमको क्या करना है, मेरी शादी करवाओ, मेरे अनुज को आशीर्वाद दो और मुझे आशीर्वाद दो और बड़े अच्छे से कैटरिंग करो, खाना वाना खिलाओ, यही तुम्हारा काम है। और सबसे बड़ी बात कि अनुज और अनुपमा ने श्रुति के बर्थडे को स्पॉइल किया था। जैसा कि उसने कहा कि मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती हूँ, आज उसने अनुपमा का बर्थडे स्पॉइल करके उसको बर्थडे पे ऐसे गिफ्ट देके उसका बर्थडे ना सिर्फ स्पॉइल किया बल्कि अनुज का दिल भी तोड़ा। अगर श्रुति अनुज से प्यार करती तो ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि अनुपमा अनुज से प्यार करती है इसलिए वो कभी भी अनुज को कष्ट देना नहीं चाहेगी। अनुज के कष्ट के लिए खुद को दूर कर लेगी मगर अनुज को कष्ट नहीं देगी। तो ये चीज़ जो है बड़ी ही आज सामने आई है। बट वही कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये अनुज के लिए है, तो लेट्स सी क्या होता है। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.